हेलो गाइस, रितु इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, जिसके लिए मैंने आज दोपहर से ये राजमे भिगो रखे थे। अब मैं इसमें डाल इसको मैं उबालने के लिए छोड़ रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक एक चम्मच। इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर। ओके, देन अब मैं इसको उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। इसको उबालने के लिए चढ़ा लिया है अभी एक सीटी, मतलब हाई फ्लेम पे। देन बाकी चार सीटी आएंगी, चार से पांच सीटी आएंगी लो फ्लेम पे। ओके, ले लिए है कढ़ाई। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। देखो हम लोग ज़्यादा ना सरसों का तेल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल ही हमें फ़ायदा करता है, इसीलिए भी हम यूज़ करते हैं सरसों के तेल को। तो सरसों के तेल मैं डाल रही हूँ। एक से दो करछी सरसों का तेल। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। मैंने लहसुन लिए हैं कटे हुए, जीरा और ये तेज पत्ता, बट इसको मैं आधा आधा कर हाफ कर दूँगी बीच में से। और ये मैंने लिए हैं दो प्याज, टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है। देन मैं इन्हीं तीन आइटम को यूज़ करने वाली हूँ। चार पांच आइटम की को यूज़ करने वाली हूँ। और अभी मेरा हो रहा है तेल गरम। जैसे मेरा तेल गरम होगा तो इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे, देन पत्ते को हम आधा तोड़ के डालेंगे इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से मेरा तेल भी गरम हो रहा है। देखिए इसी तरीके से मेरा तेल भी गरम हो रहा है। और ये मेरा राजमा है, अभी मैंने इसको खोल के देखा नहीं, अभी आपके सामने ही खोल के देखूंगी। नाउ इसमें मैंने लहसुन, जीरा, हींग और प्याज डाल चुकी हूँ और तेज पत्ता भी। देखिए ये पक रहा है, अभी तक ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डालूंगी इसमें। देखिए धीरे धीरे अपना कलर दे रहा है, देखिए पिंक शेड आ रहा है। और प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। किया
देन अंदर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा टमाटर था अब इसमें नहीं हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से देखिए अब जब तक इसका तेल ऊपर नहीं हो जाएगा तब तक मसाला पकेगा नहीं। गाइस हमारा राजमा भी गल चुका है देखिए बहुत अच्छे से गल गया है तो मैं थोड़ा सा मैं इसे घोट लूँगी क्योंकि हम लोग तो इस तरीके से खाते हैं अगर आप लोग थोड़ा घुटा हुआ खाएंगे तो आप मेरी तरह ही कीजिए अगर नहीं घुटा हुआ खाएंगे तो आप साबुत ही बनाएंगे। ये हल्दी है ये लाल मिर्च है और ये धनिया पाउडर है अब मैं इन तीनों को इसमें डाल दूँगी इकट्ठे ही ओके मैं इसको अच्छे से वो मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ थोड़ा सा इसमें डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी अब मैं इसमें राजमा डाल दूंगी और ये मैं राजमा डाल चुकी हूँ देखिए और इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया है जो पानी राजमा का था मैंने वही है किया है और नमक मैंने इसीलिए डाला क्योंकि उबालने के टाइम में आपने देखा ही था कि मैंने उबालने के टाइम में नमक डाल दिया था तो इसीलिए भी नमक का यूज़ नहीं हुआ है एंड देन देखिए अब इसमें लास्ट में मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी धनिया जिसके बगैर मज़ा ही नहीं आता सब्जी में। मैंने इसे ढक दिया पाँच मिनट के लिए देखिए मैं गैस को कर दूंगी बंद बिकॉज मेरा राजमा बन चुका है।